तो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा लगातार जारी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने बिल को ऐतिहासिक बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसको काम कर दिखाना है वो मोदी जी ने करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ उन्होंने कर दिया है, तो इसके लिए वी ऑल शुड थैंक हिम, कंग्रेचुलेट हिम। एंड उनका विजन है, मोदी जी का विजन है, ही हैज ग्रेट। पूरे देश की महिलाएं, हमारी बहनें बहुत खुश हैं, जिस प्रकार से दिवाली के त्यौहार को पर्व के तौर पर मनाते हैं, आज पूरे देश की महिलाएं इस प्रकार से आज खुश हैं, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 66 में हरियाणा बना था, तो पूरे देश की हमारी बहनें महिलाओं की एक ही बात थी कि हमें लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधि दिया जाए, और पूरे देश की बहनों की भावना की कदर करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा में बिल पारित करा के पास करवाया है, और इसी प्रकार से आज राज्यसभा में पारित होगा और निश्चित तौर से हम राज्यसभा में पास कर देंगे। महिला आरक्षण बिल कल लोकसभा में पास हुआ है, आज राज्यसभा में भी पास होगा, और देश की बहनों को ये बड़ा सम्मान अगर किसी ने दिया तो ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो आगे बढ़ें, देश का विकास करें, और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर ही ये देश के विकास की कल्पना की जा सकती है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आज पूरा का पूरा उत्साह पूरे देश के अंदर, महिलाओं के अंदर, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो ये लोकसभा के अंदर जो बिल आया, नई लोकसभा के अंदर आया, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, महिलाएं भी अपने आप को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित मानती है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।